वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपने हिंदी के ही क्लास में। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या था हमें लास्ट क्लास में? यस, हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी, जो कि एक चित्र पाठ है, उसे पढ़ रहे हैं। उसमें हम ऑलरेडी 5 पार्ट कर चुके हैं। हमने जो है सबसे पहले कहानी देखी दयालु शिकारी, उसके बाद यस दो और कहानियां देखी, कौन सी? बहादुरी कछुआ और समझदार कौआ या बुद्धिमान कौआ। उसके बाद उसके जो प्रश्न के उत्तर थे, वर्कबुक में जो कुछ स्वाध्याय दिया हुआ था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद अब जो है हमने लास्ट वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी कौआ और लोमड़ी की। चलो आज उसका जो स्वाध्याय है, उसके जो प्रश्न के उत्तर है वो देखेंगे। ये कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से जो कौआ है वो समझदार प्रूफ होता है। क्या किया उसने, उसके पास रोटी थी और लोमड़ी ने आकर उसकी तारीफ की, अरे आप कितना अच्छा गाते हो। तो कौवे को उस टाइम में समझ में आ गया कि अरे ये तो झूठ है, क्योंकि वो अच्छा गाता नहीं है। वो क्या चालाकी करता है, रोटी को अपने पैर के नीचे दबाता है, वो गाना शुरू कर देता है और लोमड़ी जो है वो वहां से ऐसे ही वापिस चली जाती है मुंह लटकाए। ये कहानी से हमने क्या सीखा था? यस, कि किसी की भी जो है बातों में नहीं आ जाना चाहिए। चलो यहाँ पर हमने वो कंप्लीट किया था, अब जो है आगे देखते जाते हैं। ओपन योर वर्कबुक, सबसे पहला प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर देखा। कहाँ पे देखा था? पेड़ की एक डाल पर। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? कौवा और लोमड़ी कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा सुन के गुमराह नहीं होना चाहिए। यानी कोई हमारी झूठी तारीफ कर रहा है तो वो हमें नहीं सुननी चाहिए। हमें हमें खुद को अपनी कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए और समझदारी से काम। चार प्रश्नों के उत्तर देखें, अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फर्स्ट है, लोमड़ी ने पेड़ की डैश पर कौवे को देखा। कहाँ देखा था? यस, डाल पर। लोमड़ी को कौवे का गाना डैश लगता था। कड़वा? यस, कड़वा तो था, लेकिन लोमड़ी को कैसा लगा था? मीठा। लोमड़ी ने कौवे से डैश सुनाने के लिए कहा। क्या सुनाने के लिए कहा था? गाना। कौवा लोमड़ी की डैश समझ गया। क्या समझ गया था? चालाकी। फिर कौवे ने मजे से डैश खा ली। क्या खाया था? रोटी। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा डैश नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? गुमराह नहीं हुआ। अगर हो जाता तो वो रोटी उसके हाथ से चली जाती और उसको भूखा रहना पड़ता। उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति और उसके बाद एक शब्द में उत्तर दो। चलो वो देखते हैं। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? कौन बैठा था? लोमड़ी? नहीं, यस, कौवा बैठा था। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। कौवा कैसा था? कौवा समझदार था। किसके मुंह में पानी आ गया? किसके मुंह में? लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। चलो काफी छोटी एक्सरसाइज है, यानी कि स्वाध्याय बहुत छोटा है, तो इसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना। मैं आपको पीडीएफ भेज देंगे। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर।